इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक तत्वज्ञान की त्रयी स्वतंत्रता समता बंधुता में से स्वतंत्रता के सिद्धांत को डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग न लेने का आरोप हमेशा से होता रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं के साथ अस्पृश्यों के प्रश्न पर उनके गहरे वैचारिक मतभेद थे। डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ अचूक और प्रासंगिक सवाल राष्ट्रवादी लोगों से थे। हम गुलामों के गुलाम हैं, क्या ब्रिटिश सरकार जाने के बाद दलितों की गुलामी नष्ट होगी? डॉक्टर अम्बेडकर का यह स्पष्ट सवाल था। स्वतंत्रता का अर्थ केवल ब्रिटिशों की 150 वर्ष की गुलामी से स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ यह भी है एक है कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को सैकड़ों वर्षों से गुलाम बनाए रखा है, उस गुलामी से भी मुक्तता है। 17 मई 1924 को बार्शी शहर में हुए बहिष्कृत परिषद के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने राष्ट्र की गुलामी और अस्पृश्यों की गुलामी की तुलना करते हुए कहा, राष्ट्र की गुलामी से अस्पृश्य समाज की गुलामी ज़्यादा दर्दनाक है। 1927 में महाड़ सत्याग्रह में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अगर आज पेशवाई होती तो महाड़ के सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के कारण मुझे हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया होता। 1931 में अहमदाबाद में दिए गए अपने भाषण जो 5 जुलाई 1931 को प्रजाबंधु अखबार में छपा है, उसमें बाबा साहब कहते हैं, आप अस्पृश्यों ने कभी सोचा है, स्वतंत्रता आंदोलन जब अपने चरम सीमा पर है और आपसे जानवरों से ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता है, आपने कभी सोचा है स्कूल के दरवाजे आपके लिए बंद है, क्या कुआं या तालाब से पानी भरने की आपको अनुमति है, रास्ते भी आपके लिए बने नहीं हैं। अगर यह आपकी सच्ची परिस्थिति है तो ऐसा क्या है जिसके कारण आप स्वतंत्रता आंदोलन से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हो? और यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर बहुत भावुक होकर सवाल पूछते हैं, मेरे दलित मित्रों, थोड़ा सोचो और खुद से सवाल पूछो, क्या यह देश आपका है? स्वतंत्रता किस लिए और स्वतंत्रता किस से? 8 अगस्त 1931 को नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस में कहते हैं, मैं कांग्रेस के लोगों से इस बात से सहमत हूँ कि कोई एक देश कभी भी इतना अच्छा नहीं होता कि दूसरे देश पर शासन कर सके, परंतु मैं यह कहने की पूर्ण स्वतंत्रता लेता हूँ कि यह प्रस्ताव यहीं खत्म नहीं होता, और यह भी उतना ही सही है कि कोई एक वर्ग इतना अच्छा नहीं होता कि दूसरे वर्ग पर शासन कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता गांधी जी के साथ उनके गहरे वैचारिक मतभेद थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था को डॉक्टर अम्बेडकर जाति व्यवस्था की जननी मानते थे, और वे जानते थे जाति व्यवस्था का बीज नाश किए बगैर अस्पृश्य स्वतंत्र भारत में भी स्वतंत्र नहीं होंगे। गांधी जी ने जब हरिजन के पहले अंक के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को संदेश लिखने को कहा, तब 7 फरवरी 1933 को डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, द आउटकास्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, देयर विल बी आउटकास्ट एज लॉन्ग एज देयर आर कास्ट। बहिष्कृत जाति यह जाति व्यवस्था का उपफल है या बाय प्रोडक्ट है, जब तक जाति है तब तक बहिष्कृत जाति है। वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, इस ग्रंथ में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, गांधीवाद में एक अंतर विरोध है, गांधीवाद राजकीय स्वतंत्रता तो चाहता है परंतु साथ में एक ऐसी समाज व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि एक समाज का दूसरे समाज पर शासन सदैव कायम रहेगा। गांधी जी ने कहा था, जो शूद्र ऊंची जाति की सेवा अपना धर्म मानकर करता है, जो किसी प्रकार की धन संपत्ति को हाथ नहीं लगाता, जिसके मन में धन दौलत प्राप्त करने की इच्छा नहीं, उसे हजारों प्रणाम। गांधी जी के वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विचार देखे तो शूद्र अति शूद्रों को आर्थिक स्वतंत्रता नकार कर उच्च वर्णियों की सेवा में लगाए रखना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी जी का अस्पृश्यता निर्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अति शूद्रों को शूद्रों के स्तर तक पहुंचाना है। लोकमान्य तिलक, जो गांधी जी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते थे, उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो बहुजन समाज का उपहास तेली तंबोली कहकर कहा करते थे।
बाबा साहब ने लिखा है, ऐसे व्यक्ति को लोकमान्य कहना लोकमान्य शब्द का विपर्यास है। लोकमान्य तिलक के बारे में बाबा साहब कहते हैं, अगर तिलक अस्पृश्य जाति में पैदा होते तो यह नहीं कहते कि स्वराज्य यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु यह कहते अस्पृश्यता निर्मूलन मेरा प्रथम कर्तव्य है। अंबेडकर ने तिलक को पॉलिटिकल रेडिकल और सोशल टोरी कहा है, अर्थात राजकीय दृष्टि से जहाल और सामाजिक दृष्टि से पुराणपंथी। राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे प्रभावी नेता पंडित नेहरू के बारे में व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स में लिखा है, नेहरू जेफरसन डिक्लेरेशन से प्रभावित है, परंतु क्या कभी उन्होंने इतने बड़े साहित्य में 6 करोड़ अस्पृश्यों की स्थिति के बारे में कभी कोई शर्म या अफसोस जाहिर किया है? इतने बड़े साहित्य में कभी भी उनके बारे में कोई जिक्र किया है? ब्रिटिश सरकार जाने के बाद यह स्पष्ट था कि उच्च जाति के लोगों के हाथ सत्ता आएगी, जो खुद तो ब्रिटिश सरकार से गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, परंतु अस्पृश्यों को और शूद्रों को, जो व्यवस्था सैकड़ों वर्षों से गुलाम बना रही है, उस व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, उसका समर्थन करते हैं। उनका मानना था जनतंत्र, जनतांत्रिक लोक जीवन पद्धति और न्याय, यह बातें हिंदू मन के लिए विदेशी हैं। जाति व्यवस्था के प्रभाव के कारण, उच्च नीच की भावना के कारण हिंदू मन अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मनोभाव का निर्माण किए बगैर जातिग्रस्त लोगों के हाथ में सत्ता आई तो अस्पृश्यों के ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे। सच्ची स्वतंत्रता तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता समता स्थापित न हो। इसलिए पहले जैसे समानता वाले वीडियो में बताया, उन्होंने 1919 में ही राजकीय स्वतंत्रता के साथ ही सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक एकता की मांग शुरू कर दी थी। अपनी पुस्तक स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में उन्होंने कहा है, मूलभूत अधिकारों का कोई महत्व नहीं जब तक उनके साथ आर्थिक सुरक्षा न हो। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा में स्वतंत्रता का मतलब केवल राजकीय स्वतंत्रता नहीं है, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल है। हिंदू सोशल ऑर्डर इस लेख में अपने स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में लिखते हैं, स्वतंत्रता 2 भागों में विभाज होती है, नागरिक स्वतंत्रता और राजकीय स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, विचार और पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता और चर्चा करने की स्वतंत्रता, 3 कार्य की स्वतंत्रता। बाबा साहब इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले प्रकार की स्वतंत्रता मूलभूत स्वतंत्रता है, केवल यह मूलभूत ही नहीं सबसे ज़रूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरह की स्वतंत्रता जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। यह बौद्धिक, नैतिक, राजकीय और सामाजिक प्रगति के लिए ज़रूरी शर्त है। जहाँ यह नहीं होती है वहाँ यथास्थिति रूढ़िवादिता में बदलती है और सभी प्रकार की नवीनता जो ज़्यादा ज़रूरी है उसे बढ़ावा नहीं मिलता। कार्य की स्वतंत्रता का मतलब जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके, केवल औपचारिक तौर पर ही नहीं, और वो आगे लिखते हैं इसको ठीक तरह से समझना चाहिए। कार्य करने की स्वतंत्रता का मतलब है कुछ विशिष्ट चीज़ें करने की प्रभावकारी क्षमता। वहाँ स्वतंत्रता नहीं जहाँ ऐसे करने के साधन नहीं। कार्य करने की स्वतंत्रता तभी होगी जहाँ शोषण का बीजनाश किया गया हो, जहाँ किसी एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण ना हो, जहाँ गरीबी ना हो, जहाँ बेकारी ना हो, जहाँ अपने किए गए काम के कारण नौकरी जाने का भय ना हो, घर ना होने का, खाना ना मिलने का डर ना हो। राजकीय स्वतंत्रता का मतलब कानून बनाने में व्यक्ति की भागीदारी हो। राजकीय स्वतंत्रता यह मानवीय व्यक्तित्व के लिए सम्मान और समानता की भावना से आता है। अगर हम बाबा साहब की स्वतंत्रता के मापदंड पर दलितों की स्वतंत्रता आज़ादी के 71 वर्ष बाद भी नापे तो पिछले 2, 3, 4, 5 वीडियो में बताए गए सोशल एटीट्यूड रिसर्च सर्वे, ह्यूमन राइट्स वॉच सर्वे की रिपोर्ट्स स्पष्ट तौर पर इस बात का इशारा करती है कि दलितों के पास सही माने में अभी भी सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है। और कई आर्थिक सर्वे यह बात स्पष्ट करते हैं कि आज़ादी के बाद एक बड़ी संख्या में दलितों में, आदिवासियों में गरीबी है, बेरोजगारी है और शोषण है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त स्टैंड लिया था वह सही साबित हुआ है।
दलित, आदिवासी और शूद्र तब तक सही माने में स्वतंत्र नहीं होंगे जब एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन नहीं होगा या जाति व्यवस्था का बीज नाश नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर के तत्व ज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसमें कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय भीम।